पंजाब के डीजीपी ने आज जलंधर के करतारपुर इलाके का दौरा किया। इस मौके पर करतारपुर में थाने पर भी गई, जहां उन्होंने अच्छा काम करने वाले पुलिस मुलाजमों को पदोन्नत किया और पुलिस मुलाजमों की कार्यप्रणाली और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। डीजीपी सुरेश अरोड़ा के अनुसार जो भी मुलाजम अच्छा काम करता है उसे सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके परिवारों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं भी सरकार चला रही है, जिनके प्रति मुलाजमों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर चंडीगढ़ में होने वाली अफसरों की मीटिंग का संदेश मुलाजमों तक नहीं पहुंच पाता, जिसके लिए अब सारे संदेश सीधे थाने में आया करेंगे। डी थे उन्होंने किस तरीके नाल इमीडिएटली रिएक्शन करके उन्होंने फड़िया और अगे कई क्राइम हों तो बचाए। तो मेरा मकसद सीगा कि भी मैं उन्होंने हौसला अफजाई करा और इस राही पूरे अपने डिपार्टमेंट के विच एक मैसेज भेजा कि आने वाले वक्त जो भी चंगा काम करेगा मैं उत्थे जाके इमीडिएटली उन्होंने हौसला अफजाई वास्ते जो भी इनाम बनेगा देके आऊँगा। चलाई है मुहिम पिंड जाने पूरे पंजाब चला रहे हैं कि शहर शहर जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। देखो ये असी पूरे पूरे स्टेट के असी 7 अप्रैल तो शुरू की है और ये मैं कला ही नहीं साढ़े होर सीनियर अफसर आई जी डी आई जी साढ़े आई जी नाल है ये भी नाल जाते हैं। तकरीबन हूँ तक असी 1900 पिंड सारे मिलकर कर चुके हैं और साडा मेन मकसद ये हैगा कि भी असी लोगों के नाल मिलके जी एक जिन्हों आप कोड कहने हैं इस कोड नूं असी खत्म करिए। शराब ठेके जलंधर से।